2009-2014 के बीच नॉर्थ ईस्ट के लिए जितना फंड दिया गया उससे 254% ज्यादा फंड अब दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बॉर्डर के हालात के बारे में बताया कि चीन ने बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती को थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन भारतीय सेना की भी चीन की हर हरकत पर नजर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भी पर्याप्त संख्या में सैनिक और अतिरिक्त सैनिक लगा रखे। सेना प्रमुख ने बताया कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है। पिछले 5 साल में पूरे देश के बॉर्डर एरिया में 6000 किलोमीटर सड़कें बनी और इनमें 2100 किलोमीटर सड़कें सिर्फ चीन के साथ बॉर्डर पर बनाई गई और कहा जाता है चीन से डर रहा है भारत। सैनिक और सैन्य साजो सामान की आवाजाही के लिए बॉर्डर पर नए पुल बनाए गए हैं, यह सेना प्रमुख ने बताया। पुराने पुलों की मरम्मत की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 1800 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे पर काम बढ़ाया गया है और इस प्रोजेक्ट के लिए रकम दे दी गई है, काम शुरू हो गया है। पिछले कुछ अरसे में लद्दाख में 55,000 भारतीय सैनिकों के रहने के लिए ऑल वेदर शेल्टर बनाए गए जिसमें वो सैन्य साजो सामान के साथ रुक सकते हैं। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लद्दाख में सैनिकों के लिए ठहरने की जगह बनाने में पिछले 3 साल में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना ही नहीं, अब सुनिए, सैनिकों को सुविधा मिले, ऑल वेदर उनके लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, लेकिन सैनिक को भी कैसे मजबूत किया जा रहा है ये सुनिए। भारत अपने हथियारों को कैसे अपग्रेड कर रहा है इसे भी समझिए। किसी भी देश की सेना के पास 3 तरह के हथियार होते हैं और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जो लोग सवाल पूछते हैं कि बॉस क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने राज में देश के सैनिकों के साथ क्या किया था। हथियार जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं किसी भी सेना के पास। एक होता है विंटेज, यानी पुराने और परंपरागत हथियार। दूसरा होता है जो सेना के पास होता है जिसको कहते हैं करंट हथियार, मतलब अभी के हथियार जो अभी लेटेस्ट हैं। और तीसरा जो होता है जिसको आप कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार, इसको कहते हैं एडवांस हथियार जो बहुत कम देशों के पास होते हैं। इस तरह से 3 तरह के हथियार किसी भी फौज के पास होते हैं। भारतीय सेना की अभी की स्थिति क्या है आपको पता है? अभी की स्थिति यह है भारतीय सेना की, अभी भारतीय सेना के पास 45% जो हथियार हैं वो पुराने और परंपरागत। जो करंट हथियार है जो आज की तारीख में, मतलब अभी के लिए आधुनिक हथियार है, वो है 41%। और जो स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हैं वो है 14% इस वक्त देश की फौज के पास। जबकि 2018 से पहले भारतीय सेना की स्थिति क्या थी आपको पता है? आप सुनेंगे तो आपके कान से धुआं फेंक देगा बॉस, कि कैसे विपक्ष के लोग जो हैं वो बात भी करते हैं भारत की फौज और उसको लेकर कहते हैं कि पिट कर ये लोग आ गए, इन लोगों ने फौज के साथ क्या किया है सुनिए। 2018 में यही स्थिति, जो पुराने और विंटेज हथियार थे देश के पास, जो हथियार थे उसमें 68% हथियार 2018 के वक्त पुराने और परंपरागत। करंट हथियार जो थे वो 24% थे मात्र, और एडवांस हथियार स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको कहते हैं वो मात्र 8% हथियार थे। यानी हमारे फौजी विंटेज हथियारों से काम चला रहे थे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 से 2022 के बीच ये जो बढ़ाया 68% पुराने हथियारों को घटा के 45% किया। और आप कहेंगे 2018 में क्यों किया? क्योंकि बॉस आते ही कोई हथियार नहीं दे देता, उसके लिए आपको जो है हथियार खरीदने के लिए कोटेशन मंगाओ, ताबड़तोड़ काम करो। वो जो 2014 से 2018 के बीच काम हुआ उसका नतीजा अब आपको दिख रहा है कि पुराने हथियार घटे हैं
करंट हथियार जो है वो 24% से बढ़कर 41% हो गए हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार जो आधुनिक हथियार है वो 8% से बढ़कर 14% है आज की सेना के पास। यानी देश की सेना को मजबूत किया गया। और टारगेट क्या रखा है नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है टारगेट ये रखा है, टारगेट क्या है, टारगेट नरेंद्र मोदी ने सेट किया है कि पुराने हथियार को हम ले आएंगे 20% पर घटाकर। जो करंट हथियार है इसके लिए टारगेट रखा है कि इसको 35% पे ले आना है 41% से और घटाकर, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हैं इनको बढ़ाकर 45% पे ले जाना है, ये इनका प्लान है। इस तरह से देश की फौज के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस पड़ते हैं, और इसके लिए श्रीलंका ने एक तिहाई सेना को ही कम कर दिया। श्रीलंका अपने सैनिक घटाकर अगले साल तक 1,35,000 कर देगी। 2017 से 2019 के बीच श्रीलंका में 3,17,000 सैनिक हो गए थे, अब 2030 तक श्रीलंका अपने सैनिकों की संख्या घटाकर सिर्फ 1,00,000 कर देगा, क्योंकि श्रीलंका को देश चलाने के लिए IMF से लोन लेना पड़ रहा है, और IMF की शर्तें यही होती हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कम करो, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी घटाओ, घाटे वाली सरकारी कंपनियों को बेचो, जिससे लोन चुकाने की स्थिति में कोई देश आ सके। तो उन्होंने अपनी फौज घटा दी कि फौजी घटाओ, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान भी दिवालिया होने की स्थिति में है, और इसका असर वहां सेना के बजट पर पड़ रहा है। 2022-23 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट पाकिस्तान की GDP के 2.8% से घटकर 2.2% हो गया। जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे तो सेना पर खर्च क्या करेगा।